Where cutting edge technology meet artistic excellence. How are you everyone? कैसे हैं आप? नमस्कार. मैं हूं आपका प्यार लकी तरार. आज फेम मीडिया के तरफ से जब जब हम लोग प्रमोशंस करते हैं, शोज करते हैं और इतना फंटास्टिक टॉपिक जब मालूम पड़ा कि आज ये होने जा रहा है और हम लोग आज और इतनी बेहतरीन फिल्म और इतने खूबसूरत टैलेंटेड हमारे आदित्य सर जब इनके साथ इनके बारे में आपको पता होगा ऐसी कोई बड़ी फिल्म Project promise of captivating audience and compelling storytelling stellar performance at latest edition impressive portfolio The Lost Girl reflect at McIndia committed and this delivering quality entertainment that leaves a lasting impact of viewers ek bar zordaar taaliyan is film ke liye jab 5th of April ko ye film aane wali hai hamare beech aur is film ke producer director and writer आदित्य सर को बुलाऊंगा मैं आप सबके सामने लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम आदित्य सर विद अस प्लीज गिव माइक वंस माइक लाइजे प्लीज यस फिफ्थ फिल्म को ये आ रही है आपके अंडर प्रोडक्शन में और भी फिल्म बन रही है 444 डेज इन द फिल्म मैमिक्स प्लेयर पर और सेवन सिस्टर फिल्म अंडर प्रोडक्शन चल रही है तालियां वंस मोर एक बार जोरदार तालियां मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बहुत क्रिएटिव लोगों के साथ स्टेज शेयर करता हूं और इतना बेहतरीन फील होता है सर आप ये क्रिएटिव कहां से आता है इतना क्रिएटिव जो आपका जो माइंड है इतने सारी फिल्में काम करी हैं क्या ये एक्सपीरियंस बड़े लोगों के साथ मिलता है या उनके साथ काम करके ये एक्सपीरियंस आता है मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ जी प्लीज यहाँ पर आने के लिए आप सब लोग इतनी दूर दूर से आए हैं तो मैं एक बार सबका जोरदार स्वागत करता हूँ और जो आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो मेरे मीडिया के भाई यहाँ पर आए हैं मैं पीछे देख पा रहा हूँ तो मैं भी आपकी तरह एक जर्नलिस्ट था एक प्रेस रिपोर्टर क्या बात है? और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में मैं एक कार्टूनिस्ट था वहाँ से मेरी जर्नी वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है और वो क्रिएटिविटी से जो पैशन मुझे मिला फिल्म मेकिंग का और सेट मेकिंग का तो ये वहाँ से आया है वाओ सेट मेकिंग आपने इतने सारे सेट्स बनाया इतने सारे सुपरस्टार स्टार्स लोगों के साथ काम किया और अब जब ये फिल्म बना रहे थे कैसा फील हो रहा था सर इस टाइम इस फिल्म बनाने के लिए क्या 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 मोमेंट्स आपने एंजॉय किया देखिए मैं लॉस्ट गर्ल के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये एक ऐसी एपिक फिल्म है और इसका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे 1984 के जो राइट्स हुए थे दिल्ली में उसका बैकग्राउंड हमने इसका फिल्म के लिए उठाया है और जो भी उसके अंदर हमने काम किया जो स्टोरी उसकी लिखी है तो ये इंस्पायर करती है उन लाखों लड़कियों की जो ऐसे दंगों में ऐसे जो रायट्स फैलते हैं उसमें गुम हो जाती है जिनका कोई आता पता नहीं होता तो ऐसी ही लॉस्ट गर्ल की हमने इसमें जर्नी दिखाई है आपके सामने बैठी है दोनों लॉस्ट गर्ल वाओ इनको भी इंट्रोडक्शन देंगे इंट्रोड्यूस करेंगे सर क्या सब लोग मुझे जब मैं आप आने के थे तो मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत किया उन्होंने कहा कि जल्दी से हमें ये इसका टीजर देखना है ट्रेलर देखना है तो क्या हम पहले ट्रेलर दिखा दें आपकी परमिशन हो बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद फिर मैं सभी टीम से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा सबसे फिर बातचीत करेंगे तो पहले दिखाया जाए आप सब लोग एक्साइटेड हैं देखना चाहेंगे यस लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सामने अब ट्रेलर होने जा रहा है आदित्य रणोलिया प्रेजेंट्स द एड मेक इंडिया मीडिया लिमिटेड ओए होए क्या बात है सर क्योंकि बिना बॉल बिना बैट के मैं ये फील्डिंग और ये नहीं कर सकता वो पैनोरमा स्टूडियो ने मुझे दिया तो एक बार जोरदार तालियां पैनोरमा स्टूडियो के लिए कुमार मंगल साहब के लिए मुरलीधर छतवानी के लिए अभिषेक शूद के लिए जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और फेम मीडिया के लिए जी इनके तालियां बननी चाहिए फेम मीडिया नजर और उसके बाद मैं बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ अपनी क्रू टीम को जी क्रू मेंबर्स को प्रभात ठाकुर जी सेकंड यूनिट डायरेक्टर प्रभात जी हैं एक बार जी प्रभात ठाकुर जी आइए एक बार जी प्रभात जी हैं विवेक अस्थाना जी जो सोलफुल और बेहतरीन म्यूजिक दिया है मतलब गाने में जान डाल दी जिस तरह से मुझे पैनोरमा म्यूजिक मिला है पैनोरमा स्टूडियो मिला है उसी तरह मुझे विवेक जी मिले हैं इनके लिए जोरदार तालियां विवेक जी के लिए तालियां बनती हैं मैं ये कहूंगा कि गाने बना दिए गाने लिख दिए एक गाना लिखा है अपूर्व आशीष ने मेरे दोस्त मेरे अजीज यहीं बैठे आ जाइए अपूर्वा जी अपूर्वा जी तीन गाने लिखे हैं और एक गाना मैंने लिखा फॉग जी
तो वो गाने तो हमने लिख डाले लेकिन उसमें आत्मा डालने का काम विवेक जी ने किया है। वाओ, एक बार इनके जोरदार तालियां इनके लिए। और उसके बाद मैं थैंक यू देना चाहूँगा फारूक भाई को, फारूक खान अगर हैं तो प्लीज़ आ जाइए, जो सिनेमेटोग्राफी है डीओपी का काम किया है, बहुत ही सुंदर बहुत ही बेहतरीन शॉट इन्होंने लगाया है मूवी में। मुझे लगता है कि एक फिल्म में अगर जान आती है तो वो सिनेमा सिनेमेटोग्राफी से आती है जी, तो वो बेहतरीन शॉट के लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या बात है। और कास्ट में कोई परवा जी, या एंड इसके बाद हाँ या और पीछे प्रगीत बैठा है, सनी बैठा है, थैंक यू एवरीबडी, अरविंद बैठा है, पूनम जी, शाश्वत, काफ़ी सारे लोग हैं, मेरा दिल से सबके लिए धन्यवाद। मैं एक एक करके सबके आता हूँ। वाओ, उसके बाद मैं, मेरी बीवी सामने ही बैठी है इनको देखो, मेरे पास कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आए कॉस्ट्यूम के लिए कि फिल्म का कॉस्ट्यूम करना है, जो बैकग्राउंड हमने यूज़ किया 1984 का वो बहुत पुराना है, तकरीबन 40 साल हो गए उसको, तो उसका कॉस्ट्यूम करना इतना आसान नहीं था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो फाइनली कहते हैं कि आपके घर में वो चीज़ें जो आप देख नहीं पा रहे, तो वो मेरी बीवी थी, तो बुलाना चाहिए, मैं आती आए, प्लीज ज्वाइन कीजिए आप, इतना बेहतरीन से कब इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है। या तो पूरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इन्होंने किया, क्योंकि वो जो फ्लेवर था वो लाना चाहते थे, उनको अच्छे से नॉलेज थी और वो उसको बेहतरीन ढंग से कर पाई। और अब मैं वेलकम करता हूँ मेरे स्टार्स के बिना फिल्म नहीं बन सकती, तो सबसे पहले मैं प्राची बंसल का वेलकम करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए प्राची बंसल जी मैम के लिए, जिन्होंने सीता का कैरेक्टर किया था फिल्म में। मैं कहूंगा श्री मद्ध रामायण जी हमारी भी सीता है जी, क्योंकि इस सीता के बिना पूरी दुनिया अधूरी है, सीता माता के बिना पूरी दुनिया अधूरी है जी, तो ये हमारी सीता है, इस सीता की वजह से इस फिल्म में इतना बेहतरीन काम हो पाया। और फिर मैं छोटी सीता को बुलाऊंगा, एरोनिका को, जो एक छोटी सी बच्ची है इस फिल्म में, शुरुआत यहाँ से होती है एरोनिका से, जो 1984 के खतरनाक दंगों में गुम हो जाती है, और किस तरह से वो अपनी जर्नी, किस तरह से अपनी यात्रा को उस सफर पे चलती है, और बड़ी होके वो सीता प्राची बंसल वाओ या वो बन जाती है। एंड फिर मैं जो इनके मम्मी पापा हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन किरदार निभाया कि मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये एकदम रियल ड्रामा है, एकदम रियलिटी में कुछ होने जा रहा है, भूपेश भाई को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, प्लीज वेलकम भूपेश भाई। और इनके साथ जो काम किया है पूनम जांगड़ा जी, जो लॉस्ट गर्ल की मम्मी का किरदार है, प्लीज वेलकम टू पूनम जांगड़ा जी, बहुत 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 धन्यवाद पूनम जी इतना बेहतरीन रोल करने के लिए। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जी जिनके आने से फिल्म में चार चांद लग जाते हैं, तो वो शख्सियत हमारी पूनम जी है, बड़ा संभाल के लिया पूरे क्रू को और पूरे स्टार टीम को, संभाला मतलब प्रोडक्शन का भी काम उन्होंने लिया, बिल्कुल प्रोडक्शन का भी किया, स्टार का काम भी किया, यानी माँ का काम किया, या हर चीज में उन्होंने हेल्प की, तो एक बार जोरदार तालियां पूनम जी के लिए। और नवीन निषाद जी, ये हमारी फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर, जो सबको सबक सिखाते हैं, एक जैसे एक हरियाणा का एक स्ट्रॉन्ग पुलिसमैन होता है वो मतलब डॉन है, उसके आगे कुछ नहीं, तो उसका रोल किया है नवीन निषाद जी ने, जाता लिया। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी पूरी मीडिया टीम की, जो यहाँ पर आई है, इतनी दूर से आई है, इतनी मशक्कत की है इन्होंने यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि मैं भी एक मीडिया पर्सन था, एक प्रेस रिपोर्टर था दैनिक जागरण में, एज ए कार्टूनिस्ट मैं जॉब करता था, काफ़ी सारे कार्टून मैंने बनाए जागरण के लिए, तो दिल से इनका धन्यवाद। एक मीडिया कितना काम करता है हमारे पीछे, जो हमें हमारा चेहरा दिखाने के लिए, हमारे काम को दिखाने के लिए जो मीडिया काम करता है, मीडिया के एक बार जोरदार ताली, क्योंकि बिना मीडिया के हम कुछ भी नहीं है, सच में। घर में एक छोटी सी, कहते हैं ना, एक छोटी सी खबर भी होती है तो घर की औरत ही बताती है क्या हुआ, और कोई भी ऐसी चीजें होती है जो मतलब दिल को छू जाती है, आप तक पहुंचाती है, वो मेरे मीडिया के भाई है। फिर मैं बुलाना चाहूँगा रवीश को, रवि जी जो स्टार का प्राची बंसल के साथ उन्होंने काम किया है, इनके हस्बैंड बने मूवी में, प्लीज वेलकम टू रवीश सिंह, वेलकम रवि जी, वेलकम। और मेरे जो दोस्त आए, मेरे अजीज आए, प्रदीप गुप्ता जी, इनको सलाम, थैंक यू, राकेश कपूर साहब आपको थैंक यू, विनीत जी आए हैं, थैंक यू, सलाम।
और नरेश भाई आए हैं, थैंक यू। विनय जी जो मैवरिक स्टूडियो के ऑनर हैं, सरनजीत जी आए हैं उनके साथ, तो मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो भी मूवी का पोस्ट का काम हुआ है वो मैवरिक स्टूडियो में हुआ है और इतने बेहतरीन ढंग से इन्होंने काम किया है, शायद वो मूवी इतनी अच्छी बन पाई। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां। वाओ, मैं माइक देना चाहूंगा प्राची मैम के लिए। हाउ आर यू, कैसा फील कर रही हैं आप अभी? सीधा सीरियल से टीवी की जर्नी, और ये जब स्टोरी आपके पास आई उस टाइम आपने कैसे साइन करी और क्या था इस फीलिंग उस टाइम की, प्लीज शेयर कीजिए। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आवाज नहीं आ रही मैम, माइक नजदीक। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और मैं बहुत ही अमेजिंग और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अभी। मैं आदित्य सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर कास्टिंग मी। एक्चुअली दिस लॉस्ट गर्ल इज समथिंग आई नो विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, तो उसको जस्टिस देना, उस कैरेक्टर को जस्टिस देना वॉज वेरी, यू नो आई वॉज स्कैर्ड कि मैं जस्टिस दे पाऊंगी या नहीं, बिकॉज वेन समवन राइट्स अ स्टोरी उनका व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड इफ दे डोंट गेट वॉट दे वॉन्ट तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो आई होप आई डिड वेल, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, जो इनके साथ जो उनके डैडी का कैरेक्टर किया है सर, सच में आपने लग नहीं रहे अभी। मैं देना चाहूंगा कि प्रभात जी जिन्होंने ये विश्वास जताया, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और पूरा क्रू मतलब एक्टर सब हरियाणा के थे इसमें, और मैं हरियाणवी बना हूँ, मतलब मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कर पाया हूँ। और आदित्य जी जिन्होंने विश्वास जताया कि ये कर देंगे कैरेक्टर, और जो आप लोग आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ आप लोग सब फिल्म देखें और लोगों को भी बताएं ये फिल्म चले भी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अट्रैक्ट करे पब्लिक को ऐसे आने के लिए, तो ये बस एक कोशिश जो सब लोग करेंगे तो उसी से होगा। लवली, मैं म्यूजिक के लिए म्यूजिक पार्ट पे आता हूँ हमारे विवेक जी के पास। विवेक जी, जब आपको ये म्यूजिक दिया गया, ये फीलिंग दी गई, तो आपने जैसे आदित्य सर ने कहा कि जब इन्हें बनाया तो कुछ आपने हेल्प की और वो पूरा सोल भरने का जो काम था म्यूजिक में, आपने किया। क्या क्या आप मतलब क्या क्या आपको हर्डल्स आए इस म्यूजिक को लेके, तब जाके ऐसा बना? एक्चुअली मैं सबसे पहले मैंने ये रब्बा गाना कंपोज किया था जी, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि जब इन लोगों ने बताया कि ये प्लॉट पॉइंट है फिल्म का जहाँ से बहुत डिसाइसिव मोमेंट होता जी, है जी। तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी मनन करना पड़ता है कि उसके सबटेक्स्ट में क्या चल रहा है और क्या चीज़ ये रहेगा। फिर आशीष जी ने इतना अच्छा लिरिक्स लिखा, तो उसको लिरिक्स को पहले मेरे पास आया वो चीज़, और फिर उसके एक एक शब्द को लेकर के उस थॉट प्रोसेस को, पूरी कहानी को मैंने बाउंड स्क्रिप्ट को पढ़ा था, तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि उस मर्म को समझते हुए मैंने कोशिश की कि इस पॉइंट पे एक लड़की बहुत बड़ा डिसीजन, जो प्रोटैगोनिस्ट है फिल्म की, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन ले रही है जो आप को अंदाज़ा लगा होगा, और ऑब्वियसली जब फिल्म देखेंगे तो उसका डिटेल पता चलेगा, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जी। तो रब्बा पहले कंपोज किया, और फिर तब आया कि लीलो करना है एक हरियाणवी फोक पे जी। लीलो से हमें याद आया सर, जब ये लीलो गाना जब आपके पास मिला तो कैसे आपने ये म्यूजिक और ये जो लिरिक्स है आपने कैसे? लिरिक्स तो आदित्य जी ने दिया जी। और हमारी डिस्कशन, चूंकि मैं हंसराज दिल्ली से हूँ और काफी हरियाणवी वातावरण मेरे सारे दोस्त हरियाणा से ही थे बहुत ज्यादा, तो वो फोक को मैं जानता हूँ, अच्छा से समझता हूँ, तो उस चीज़ को अप्लाई किया कि और शादी के माहौल में ढोलकी बजना चाहिए, हारमोनियम बजना चाहिए, सारी चीज़ें एलिमेंट होने चाहिए। और मुझे एक इंटरेस्टिंग बहुत और काफ़ी ऑब्जर्वेशन जो सुनने वालों का आ रहा है कि साइकिल की घंटी जो है अपने आप में बड़ा, जो इंट्रो म्यूजिक में आता है वो काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि अपने आप में वो साउंड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो एक हमने शुरू में डाला कि इन्हें पता कि साइकिल से ऐसा है कि, तो मैंने बोला चलो ठीक है साइकिल की घंटी ये करते, तो ऐसा है। हुई थी फिल्म में, रियल में आपको फिल्म आप लग भी रहे हैं पुलिस वाले, तो एक्चुअली वो फिल्म वाला फील हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बल्कि आदित्य जी का धन्यवाद करूँगा,
और रही बात पुलिस की, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है, मैं 2000 में पुलिस में लगा था, तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया था जी। तो वो चीजें मेरे अंदर थी, तो सराउंडिंग ऐसा रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आदित्य जी का, जिन्होंने बिलीव किया कि मैं कर पाऊंगा, और ऑडिशंस भी लिए 2-3 बार, तो अच्छा निकल गया, सब कुछ बढ़िया। तो थैंक्स टू ऑल टीम। बाकी हरियाणा का है तो हरियाणा तो रग रग में बसा हुआ हमारी। सर वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे और एक फिल्म के पीछे स्टेप पे मुझे काफी मैम बजट बजट ले लिया या आपने पूरा बजट ले लिया? मेरे ही हाथ में था क्या बात, क्या डिसाइड करना है। सो हम लोगों ने काफी मेहनत की इस पे, और हमारे कोस्टर्स जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने सबने काफी सपोर्ट किया मुझे इस कॉस्ट्यूम में। इवन पूनम जी ने तो मुझे कुछ ड्रेसेस भी ला के दी, बोले कि इसमें से कुछ अगर सिलेक्शन हो सिलेक्टेड हो जाए तो वो अच्छा होगा। सो थैंक यू एवरीवन। स्पेशली क्या कहना चाहेंगे आदित्य सर को, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आपने देखा है काम करते हुए, जब जब खुद की फिल्म बनती है तब कितना एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। यस आदित्य जी, मोमेंट शेयर करेंगे कुछ टाइम, कुछ याद है ऐसे मोमेंट जब फिल्म बनाते वक्त आपको मतलब ऐसे ऐसी कुछ चीजें जो याद है कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? यस आदित्य जी बहुत ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उन्होंने काफी सिचुएशन आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बट उनको कैसे हैंडल करना है वो आदित्य जी को सीखिए। कभी अगर आपको मौका मिले, मैं कल से कार क्लासेस में जा रहा हूं। इतनी तारीफ कर रही है मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किया, सबने उतनी मेहनत की है और सबने, और ये सब जो है छोटे छोटे हिस्से मिलके पूरी एक रीड की हड्डी बनी इस फिल्म। लवली। मैं माइक चाहूंगा रविश भाई के पास, कैसा लगा आपको जो अच्छा कैरेक्टर आपने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मुझे मौका मिला। मैं प्रभात सर और आदित्य सर को बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ और आज तक कभी मैंने हरियाणवी नहीं बोली। तो प्रभात सर ने मुझे जब ऑडिशन के लिए बुलाया, बोला कि तुम आ जाओ देखते हैं ऑडिशन देते हैं, तो मैंने हिंदी में पहला ऑडिशन दिया। तो सर को मुझे मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि अब ना तुम्हें हरियाणवी बोलनी है। मैंने कहा हरियाणवी ओके। मैंने कहा सर एक हफ्ते का मौका दीजिए, मैं करता हूँ। बट सर ने एक चीज बोली थी कि कभी भी बीच में कोई भी सपोर्ट चाहिए हरियाणवी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो मुझे फोन कर लेना। तो मैंने कई बार फोन किया सर को, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी कंफ्यूजन था मैंने सर ने मुझे बताया, मैंने प्रैक्टिस करी, तो डेफिनेटली वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंड इतने बड़े बैनर के साथ जुड़ने का मौका मिला, थैंक यू, थैंक यू आदित्य सर एंड प्रभात सर, थैंक यू। लवली लवली जो स्पिरिट होती है हमारे, इतनी टीम स्पिरिट इन्होंने दिखाई है, थैंक यू सो मच ऑल द टीम, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आपके लिए ब्रेकफास्ट रखा है, thank you so much, very amazing, lovely. All right ladies and men, now time for yes mic lena, are yaar ye kaam kar raha hai, very nice.